धर्म यात्रा को लेकर पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है कि मैक्सिमम 200 लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, वो भी सभी नियमों का पालन करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा एवं आयोजकों के द्वारा दोनों के द्वारा डिसाइड किया गया है कि एक ही लोगों पर जो है एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे, वहीं से डिस्पर्स होंगे। हम कोरोना प्रोटोकॉल की कंप्लीट गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके अनुसार ही जो है यह धर्म यात्रा को जो संपन्न कराई जाएगी। जी भी यह हिंदू धर्म रक्षा यात्रा है, हिंदू के अस्तित्व की, हिंदू के अस्मिता की। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हिंदू प्रधान देश में हिंदुओं के महापर्व को, हिंदुओं के त्यौहार को जिस तरीके से थोपा जा रहा है, तो हम लोग आज यह हिंदू धर्म यात्रा निकाल के घोषणा करना चाहते हैं कि हम ऐसा कोई संविधान, ऐसा कोई न्यायालय नहीं मानेंगे जो हिंदू धर्म के विपरीत हो। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि होली में हम लोग को गुलाल से काम चलाएं, मात्र टीका लगा के काम चलाएं, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा हम लोग ने रामलीला का मंचन नहीं किया, गणेश महोत्सव नहीं मनाया, लेकिन आपने देखा कि एक विशेष समुदाय के तरीके समुदाय के लिए जिस तरीके से फ्रांस में हुआ, फ्रांस की घटना का जिस तरीके से विरोध किया, भोपाल में हुआ, जबलपुर में हुआ, तो हम लोग अब शांत नहीं बैठेंगे। लोगों ने इसके पहले इतिहास में धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सीने पे गोली खाई है, फांसी के फंदे चूमे हैं। हम लोग ने घोषणा करी थी कि आधार ताल से 1100 यात्रा निकालेंगे, 1100 भगवा ध्वजों की यात्रा निकालेंगे, लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन ने हमारे आंदोलन को कुचलने की, दबाने की कोशिश करी है, गृहमंत्री का नाम बता के, वह बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग ने जो घोषणा करी है तो हम लोग आधार ताल जाएंगे, चाहे अभी हम लोग की जो भी टीम है, हमारी कोर कमेटी, आदरणीय पाठक जी, जगत गुरु जी, सुधीर नायक जी, सीताराम सिंह जी, जितने भी लोग हैं सबसे चर्चा करके और सभी वरिष्ठों से चर्चा करके जो निर्णय लेंगे हम लोग उसको करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मंगलम करुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी। आज परम मंगलमय हिंदू महासभा जावालीपुरम की के तत्वाधान में सभी हिंदुओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से धर्मध्वजा फहराई जा रही है। आज परम पुनीत अवसर है समस्त हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्म के समस्त लोगों को। आज ऐसा शुभ अवसर है, हम सभी लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हों, हम अपने जनमानस में हिंदू धर्म ध्वजा फहराती रहे। हिंदू धर्मावलंबियों से, सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग एकत्रित हों और इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हिंदू जनमानस में समस्त एकता, अखंडता बनी रहे, संपूर्णता से धार्मिकता बनी रहे, हमारे धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई अवधान ना आए, कोई किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, हम सनातनता से अपने धर्म की रक्षा करते रहे हैं, धर्म की रक्षा करते रहेंगे, और सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी इस धर्म ध्वजा में सम्मिलित होकर के धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। विशाल रैली है ये, अभी जैसा अमित खंपरिया जी ने बताया है कि इसका रूट डिसाइड किया गया था, आधार ताल से ये गौरीघाट तक लेके जाने का रूट डिसाइड किया गया था, परंतु कुछ कारण प्रशासन के कहे अनुसार ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही। वहीं अमित खंपरिया जी ने ये चीज़ जानकारी दी है कि अभी जो भी उनके साथियों के साथ निर्णय निकलेगा उसके बाद वहीं जहाँ उनका रूट डिसाइड हुआ था उसी रूट पर ये रैली आगे और लेकर जाया जाएगा। जी मैं आपको जैसे दिखा दूँ कि